हेलो गाइस, तो कैसे आप लोग? आई होप आप सब बड़े होंगे, मस्त होंगे। मैं पंकज नेगी और आज हमारे साथ है हमारे होटल की टीम, हमारे सब लोग सभी इधर देखिए। सभी हम आज जा रहे हैं घूमने के लिए इस्कॉन टेम्पल। और देखिए हमारे सभी, बारिश भी आने लगी है, बारिश में जा रहे हैं हम सभी घूमने के लिए। चलो आगे देखिए, चलते हैं हम इस्कॉन टेम्पल। और अभी शाम हो रहा है, पाँच बज रहे हैं हम घूमने के लिए मंदिर में जा रहे हैं देखने के लिए। चलो गाइस देखिए, आगे देखिए। तो गाइस सामने बस स्टॉप है, वहाँ से बस मिलता है कि नहीं मिलता है देखना पड़ेगा कि शाम के टाइम बस मिलता है कि नहीं मिलता है इस्कॉन टेम्पल के लिए। तो हम अभी बस पकड़ते हैं इस्कॉन टेम्पल के लिए यहाँ। तो गाइस यहाँ पे बस आ चुकी है, देखते हैं बस उधर इस्कॉन टेम्पल के लिए जाती है नहीं जाती है, देखते हैं। बस रुक चुकी है। तो गाइस हम अभी बस में बैठ चुके हैं, हमारे साथी लोग देखे कैसे बस में बहुत भीड़ है, बस पूरी फुलभरी है, लेकिन बस में बैठ चुके हैं। तो गाइस अभी हम यशवंतपुर बस स्टॉप में आ गए हैं। ये है, और देखिए आप भी चलो। तो गाइस ये यहाँ पे सामने मेट्रो स्टेशन, यशवंतपुर का मेट्रो स्टेशन, और उसके पीछे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, और ये सामने ये जो दूसरी बिल्डिंग दिखाई दे रही है छोटी वाली वाली, वो है सेरिटोन होटल। और हम इधर से सामने आगे आने वाला है ओरियन मॉल, ओरियन मॉल से आगे हमारा जो जहाँ हम जा रहे हैं मंदिर में इस्कॉन टेम्पल, उधर जाएंगे। तो गाइस अभी हम पहुंच गए हैं इस्कॉन टेम्पल के अंदर। देखिए गाइस कितना बड़ा टेम्पल है, यहाँ से कम एक घंटा और लगता है अंदर भगवान जी के दर्शन करने में। जो यह सामने जो मंदिर दिखाई दे रहा है, यह श्री कृष्ण और राधा जी का मंदिर है। यह अंदर से काफ़ी भव्य मंदिर है और काफ़ी बड़ा मंदिर है। और ये सामने देखिए कितना अच्छा सीन है, कितना अच्छा नज़ारा है। और यहाँ कैमरा अलाउड नहीं है, जिसकी वजह से हम अपना कैमरा लेके अंदर नहीं गए हैं, और हमने अपना फ़ोन से यहाँ पे वीडियो बनाई है। तो गाइस आप लोगों के लिए हमने इतना मेहनत किया है, इतना परिश्रम किया है, और हमें वीडियो बनाने के लिए मना भी किया है, फिर भी हमने चुपके चुपके आप लोगों के लिए इधर वीडियो बनाई है। और यह गाइस देखिए काफ़ी भीड़ लगी है मंदिर के अंदर, बहुत ही अच्छा नज़ारा है मंदिर का। और शाम के टाइम यहाँ पे आरती हो रही है मंदिर में। और ये देखिए गाइस मंदिर का सीन देखिए। और यहाँ से सभी को एक एक करके अंदर जाना पड़ता है, और ये देख सकते हो गाइस यहाँ पे एक एक स्टेप करके चला जाता है, और भगवान श्री राधा कृष्ण का नाम लिखे, एक एक लाइन का नाम लिखे, एक एक स्टेप में पांव रखना पड़ता है। ये देख सकते हो आप, एक एक स्टेप करके चलना पड़ता है और आगे, इसलिए यहाँ अंदर जाने में काफ़ी टाइम लगता है। और यह भीड़ को कम करने के लिए ऐसा बनाया गया है कि ताकि अंदर जाने में थोड़ा टाइम लगे, और भगवान श्री कृष्ण राधा जी का नाम लेके उनका गुणगान कर सके। Thank you.
तो यहाँ से एग्जिट गेट है, यहाँ से हम बाहर के लिए निकलते हैं और हम भगवान जी का प्रसाद लेके यहाँ पे हमने खा के अब यहाँ से हम चलते हैं बाहर के लिए। तो ये देखिए काफ़ी अच्छा लगा हमें यहाँ आके, और इसके अंदर रेस्टोरेंट भी है, खाना खा सकते हैं मंदिर के अंदर। और देखिए हमने अपने जूते चप्पल यहाँ पे दिए थे, हमने यहाँ पे टिकट दिया था और अपना जूता चप्पल यहाँ पे रखा था, और यहाँ से हम अपना जूता चप्पल लेंगे और चलेंगे अपने रूम। तो गाइस अभी हम आ गए हैं टेंपल से, तो कैमरा अलाउड नहीं होने के कारण मैंने थोड़ा फ़ोन से बनाया है वीडियो, उतना अच्छा वीडियो नहीं बनाया है, पर थोड़ी बहुत मैंने बनाई है आप लोगों को दिखाने के लिए। और काफ़ी अच्छा मंदिर है, काफ़ी बड़ा मंदिर है, अंदर से पूरा सोने का बना हुआ है इसको मंदिर, पूरी मूर्ति सोने की बनी हुई है, काफ़ी बड़ा मंदिर है, काफ़ी अच्छा लगा मंदिर में जाके। तो अभी हम चलते हैं अपने रूम पे और यहाँ से करते हैं ओला बुक। तो हमारे दोस्त भी लोग सभी जा रहे हैं यहाँ से, काफ़ी अंधेरा हो चुका है, काफ़ी रात हो चुकी है भाइयों। तो गाइस अभी हम आ गए हैं अपने रूम पे, ऑटो बुक किया है और ऑटो में आ गए हैं। मेरा पूरा हाथ दर्द कर रहा है, पूरा शरीर दर्द पेन हो रहा है, पूरा शरीर दर्द कर रहा है। तो गाइस ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओके गाइस बाय बाय, वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा गाइस। ओके बाय 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 बाय।